वाटर, टेम्परेचर, CO2 एंड ऑक्सीजन, दीज आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि लाइट, ठीक, वाटर, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, CO2 एंड ऑक्सीजन, दीज आर द फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स हैं वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस जो होती है वो फूड मेकिंग प्रोसेस होती है, फूड मेकिंग प्रोसेस होती है। अब ये जो खाना बनाने की प्रोसेस है वो कई तरीके की हो सकती है, तो आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे किस तरीके से हम अपना खाना खुद बनाते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आमना एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक्स टुडे। लेट मी शो यू टुडेज टॉपिक। दीज आर द टुडेज टॉपिक, व्हाट इज़ एंजाइम, व्हाट इज़ होस्ट, व्हाट इज सीरिया, एंड बेसिकली दिस इज़ लेक्चर 8 एंड लेक्चर 1 to 7 इज़ ऑलरेडी and lecture 1 to 7 is already on YouTube. You can go and check. Today's topic is parasitic nutrition and what is parasites. Okay, today's topic is also saprophytic nutrition and what is saprophytes, saprotrophs. Next topic is what is holozoic nutrition and what is ingestive nutrition. So it means basically we are going to discuss heterotrophic nutrition. Okay, what is heterotrophic nutrition, and it is classified in 3 types. So let's start with the heterotrophic mode of nutrition. अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है कि मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मोड ऑफ़ न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया, जिसमें ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं, अब ऑर्गेनिज्म मैंने आपको डिटेल बता दिया है कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है, तो जिसमें ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो लेते हैं न्यूट्रिशन, रेडीमेड न्यूट्रिशन लेते हैं। ये जो ऑर्गेनिज़म है वो क्या करेंगे, वो प्रिपेयर्ड न्यूट्रिशन लेंगे, जो पका हुआ खाना है उसको लेंगे। अब या तो वो किसी के ऊपर डिपेंड होकर के लेंगे, जैसे ये ह्यूमन है इसके ऊपर रह करके लेंगे, या कोई जानवर मर गया है इसके ऊपर आ करके लेंगे, ठीक है, और या तो हो सकता है कि अपने मुंह के थ्रू खा रहे हैं, ये फेस है इसके मुंह के थ्रू खा रहे हैं, तो यानी कि जो खाना, ये खाना हम खुद बना तो नहीं रहे हैं ना, हम किसी के ऊपर डिपेंड है, वो जो भी खा रहा है पी रहा है वो हमें मिल रहा है। कोई चीज़ सड़ी गली मर गई, जानवर मर गया, उसके ऊपर हमने आकर के, या बैक्टीरिया वगैरह ने आकर के लोअर ऑर्गेनिजम्स में अटैक किया और उसने अपना खाना खाया, तो ये खुद बनाया तो नहीं है ना, इससे खाया उसने, तो ये इस तरह के न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो किसी के ऊपर डिपेंड रह के किसी के ऊपर सड़ी गली चीज़ों को खा करके या मुँह के थ्रू खाते हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या कहा जाता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो 3 तरह का होता है। सबसे पहला टाइप जो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये जैसे यहाँ पे खा रही है ना, देखें यहाँ पे जैसे खा रहा है, मुंह खोला और इसको अंदर डाला, तब जा कर के क्या हुआ, डाइजेशन की प्रोसेस हुई, यानी कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हमने खाया और वो ब्रेक डाउन हुआ बॉडी के अंदर। ठीक, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को जो होल बना करके जो मुंह के थ्रू खाया जाता है, उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है, उसको कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, और इसको इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि द फूड दैट वी ईट एंड यूटिलाइज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है वो मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूँगी, बस यहाँ आप ये जानें कि जो लोग भी मुँह से खाना खाते हैं होल बना करके, चाहे वो अमीबा हो चाहे वो कोई भी हो, तो मुंह बना के जब खाना खा रहा है, मुंह खोल करके खाना खा रहा है, चाहे वो शेर हो चाहे वो कार्निवोर्स हो हर्बीवोर्स हो, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो है वो 3 चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया आपका कार्निवोर्स, जो सिर्फ क्या खाता है, गोश्त मांस खाता है। एक वो हो गया आपका हर्बीवोर्स, जो क्या खाता है, हरी सब्जियाँ खाता है। ठीक है, वो होता है आपका हर्बीवोर्स। एक क्या होता है, ओमनिवोर्स।
तो कहने का मतलब जो हरी सब्जी और घास और गोश्त सारी चीज़ें खाता है, तो जो ये कार्निवोर्स जो होगा जो गोश्त खाते हैं, हर्बीवोर्स जो होते हैं जो हरी सब्जियां खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो होते हैं जो दोनों चीज़ें खाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो भी खाएगा वो किस तरह का न्यूट्रिशन करेगा, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं कि होलोजोइक मतलब न्यूट्रिशन मतलब होता क्या है, ठीक है। होल मटेरियल, होल मतलब होल बना करके खाना, और इंजेस्ट मतलब इंजेस्ट करना अंदर की तरफ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आपका, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जो चीज़ें सड़ने लगती हैं, जो चीज़ें जो जो जानवर जो है वो मर जाता है जब वो सड़ने लगता है, तो उससे कुछ मशरूम, यीस्ट, ये सब जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये उसके ऊपर जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोफाइट्स, ठीक है। और क्या करते हैं वो, जैसे सपोज दैट ये यहाँ पे ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ पे ये डेड हो गई है, तो इसके ऊपर जाएंगे अपने बॉडी से स्लाइम, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर निकालेंगे, इसका पूरा का पूरा जो है वो डाइजेशन होगा, ये पूरा डाइजेशन होगा, उसके बाद ये इसी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस तरीके से बाहर आउट एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं और उसी में एब्जॉर्ब हो करके खाना खाते हैं ये। तो ये एक तरह का न्यूट्रिशन हो गया जो खुद नहीं बना रहे हैं तो दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है भाई, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जैसे ये आदमी है, ये कोई प्लांट, प्लांट ले लें आप, प्लांट, ठीक है। अब इस प्लांट पे कोई आकर के रह रहा है, तो ये प्लांट को मार नहीं रहा है, जिंदा है प्लांट, बस उसके ऊपर आकर के दूसरी चीज़ रह रही है और अपना न्यूट्रिशन ले रही है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे से न्यूट्रिशन तो लेता है लेकिन उसको मारता नहीं है, तो इस तरह के न्यूट्रिशन को कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। जैसे कि टेप वर्म हो गया, अब टेप वर्म जो है हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, केचुआ जो है हमारी बॉडी के अंदर कभी कभी रहता है कुछ चीज़ों की प्रॉब्लम्स की वजह से, या प्रॉपर डाइजेशन या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, हमें मार तो नहीं रहा है ना, रह रहा है, वहीं से न्यूट्रिशन ले रहा है। जोंक जो होती है वो दूसरे के ऊपर रहती है, वो वहीं से न्यूट्रिशन लेती है लेकिन उसको मारती नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जो दूसरे के ऊपर रह करके लिया जाता है उसको कहा जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसे लोग जो दूसरे के ऊपर रहते हैं उसको पैरासाइट कहा जाता है, और जिस बॉडी के ऊपर रहते हैं उसको होस्ट कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज दैट ये प्लांट है, ये प्लांट क्या है, होस्ट है। इसके ऊपर अगर कोई दूसरा पेड़, अमर बेल पेड़ होता है ना, वो आकर के इसके ऊपर बेल बना करके रह रहा है और न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो हो गया पैरासाइट। और किस तरह का ये न्यूट्रिशन हो गया, ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज़ एंजाइम। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ होस्ट, होस्ट क्या होता है, एंड व्हाट इज़ सीलिया, सीलिया क्या होता है, ठीक है। तो देखें एंजाइम्स क्या होते हैं, ये मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी आपको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लें कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं, जो हमने कॉम्प्लेक्स चीज़ें खाई हुई हैं बॉडी में, जो भी हमने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ें खाई हुई हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, इन सारी चीज़ों को इसको ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वही एंजाइम होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता और घटाता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सिंपल में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, व्हाट इज़ होस्ट। तो होस्ट क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि एक सेकंड, होस्ट क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, जब मैं आपको पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में बता रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जिसकी बॉडी पे रहते हैं, जैसे ये आदमी है, इसके सर में जू है, ठीक है, इसके सर में जुएँ हैं, तो अब ये जुआ जो है वो क्या हो गया, ये पैरासाइट हो गया, ठीक है, कि किसी के ऊपर रह रहा है, और ये जिसके ऊपर रहता है उसको कहा जाता है होस्ट, यानी कि आदमी जो है वो होस्ट हो गया। और ये किस तरह का न्यूट्रिशन कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया, ये न्यूट्रिशन कर रहा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन,
ठीक है। तो पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये पूरा एक तरह से समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या चीज़ बच गई, अब बच गया आपका सीलिया। तो सीलिया क्या होता है, ये जो पैरामीशियम है, देखिए ये पैरामीशियम होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसकी बॉडी के चारों तरफ ऐसे हेयर लाइक आउटग्रोथ निकली होती है, ऐसे छोटी छोटी आउटग्रोथ निकली होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे खाना आकर के ये अंदर जाता है। तो ये खाना यहाँ पे कैसे आता है, ये सीलिया के थ्रू, ये सीलिया जो है वो मूव करती है और खाने को यहाँ पहुँचाती है, तब जा कर के क्या होता है, डाइजेशन होता है, इंजेशन होता है, खाना अंदर गया और डाइजेशन हुआ। तो ये सीलिया जो होती है मूवमेंट में हेल्प करती हैं, ठीक। तो मेरे ख्याल में आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, एंजाइम्स का, होस्ट का और सीलिया का। अगर कोई भी डाउट है कहीं भी किसी को कि एंजाइम्स क्या होता है या पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है, या सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, या होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, और या तो फिर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक।